जहर फैल चुका है और इसको 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 दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई 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 इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउसहोल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद ज़रूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है। उन्होंने एक फिल्म की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो मेरे सीनियर हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीनियर हैं, हर एक को पूरी आज़ादी है देश में कुछ भी कहने की। ये इसमें बहुत बड़ी बात है कि आदमी जो कहना चाहे बोल सकता है। ये ऐसा देश में इतनी हमने हमारी यहाँ इतनी आज़ादी है कि आप सेना को भी गाली दे सकते हैं, आप एयर चीफ को भी बुरा भला बोल सकते हैं, आप सैनिकों पे पथराव भी कर सकते हैं, कि इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए किसी भी देश में, और किसी देश में मुझे लगता है ऐसी आज़ादी नहीं है। तो उनको भी आज़ादी, जो उनका दिल किया उनको बोलने दीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो सच है। राहुल गांधी जी लगातार प्रधानमंत्री को चोर और चौकीदार को चोर घोषित कर रहे हैं, लगता है हमारा चौकीदार चोर है। देखिए, जब कोई आदमी किसी के ऊपर लांछन लगाता है या किसी को बड़ा बुरा बोलता है, तो उसको उसकी खुद की जो है प्रवृत्ति पता चलती है। तो अब ये तो उनको भी बोलने का अधिकार है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को भी लोग कुछ भी बोलते हैं, तो राहुल गांधी जी को भी बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता।